भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय में चर्चा करेंगे जो कि विज्ञान से जुड़ा है। विज्ञान के बहुत से मत इस विषय में हैं, किंतु हमारे शास्त्रों के इस विषय में बहुत पहले से सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए गए थे। प्रिय दर्शकों, बहुत लंबे समय से यह एक चर्चा का और शोध का विषय रहा है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, क्या पृथ्वी गोल है या पृथ्वी चपटी है, क्या ये चौकोर है इत्यादि इत्यादि। विविध प्रकार की मान्यताएं और संप्रदायों के ग्रंथ इस विषय में अपने अपने मत देते हैं जो कि शोध का विषय रहे हैं। प्रायः विदेशी विद्वानों ने भी विभिन्न उपकरणों की सहायता लेकर के इस संबंध में अपने मत दिए और विदेशी विद्वानों के अनुसार पृथ्वी गोल है यह मत निकल कर आया। सामान्यतया जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, उसके कुछ वर्षों बाद शोध होने पर यह सिद्धांत सामने आया, लेकिन समय के साथ साथ इसमें भी मतभेद उत्पन्न हुए और अभी स्थिति यह है कि बहुत से विद्वान यह कहते हैं पृथ्वी गोल है, कुछ विद्वान कहते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, कोई इसकी कैसी आकृति बताता है, कोई विभिन्न प्रकार से इसे प्रदर्शित करता है, तो कुछ विद्वान पृथ्वी की आकृति एलिप्सॉइड बताते हैं। इन सभी विषयों पर आप गूगल, विभिन्न ग्रंथ इत्यादि में पढ़ चुके होंगे। हम चर्चा करेंगे कि हमारे शास्त्रों में इस विषय में क्या कहा गया है। प्रिय दर्शकों, पृथ्वी की आकृति, इसकी उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति इत्यादि के विषय में हमारे शास्त्रों में, विशेषकर पुराणों में बहुत सुंदर और अत्यधिक वर्णन मिलता है। हमारे पुराण बार बार यह संदेश देते हैं कि पृथ्वी गोल है, आवश्यकता है तो केवल इनके अध्ययन करने की। आज के समय में सामान्य जन के पास इतना समय नहीं है कि वे शास्त्रों का अध्ययन कर पाएं और वास्तविकता को जान पाएं। वास्तव में भारतीय ज्ञान का जो इतिहास रहा है वह बहुत समृद्ध रहा है। विदेशी विद्वानों ने भी इसका सहारा लेकर के ही अपने शोध पूरे किए हैं। पृथ्वी की आकृति के विषय में हमारे पुराणों में वर्णन है। आप ये देख पाएंगे कि हजारों वर्षों पुरानी मूर्तियां जब कहीं से प्राप्त होती है तो उनमें भगवान वराह का स्वरूप भी मिलता है और भगवान वराह की जो मूर्ति होती है उसमें वराह भगवान अपने दांतों के माध्यम से पृथ्वी को जल से बाहर निकालते हुए दिखते हैं। उन मूर्तियों में आप देख पाएंगे कि पृथ्वी की आकृति गोल होती है। इसके अलावा हमारे ग्रंथों में इस प्रकार के वर्णन बहुत से हैं। यदि ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से इस बात को सिद्ध करता है। वह यह बताता है कि पृथ्वी की आकृति पूर्णतया गोल नहीं है। तो किस प्रकार की है, इस विषय में ज्योतिष शास्त्र के विद्वान कमलाकर भट्ट द्वारा रचित सिद्धांत तत्व विवेक नामक पुस्तक में स्पष्टतया लिखा गया है, मृदम वग्न्य नीलाकाश पिंडोयम पांच भौतिकः कपित्थ फलवद वृक्षः सर्वकेन्द्रे खिलाश्रयः। अर्थात यह पृथ्वी नामक पिंड, पृथ्वी, जल, अग्नि, अनिल अर्थात वायु, आकाश इत्यादि पांच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें कि पृथ्वी तत्व की अत्यधिक मात्रा है। और यह पृथ्वी किस आकार की है, इस विषय में कहते हैं कपित्थ फलवद वृक्षः, अर्थात कपित्थ के फल की
तरह आकृति वाली है। कपित्त का फल प्रायः उत्तरी भारत में देखने को मिलता है। इस फल का स्वरूप इस प्रकार का है कि यह लगभग पूर्णतया गोल होता है और जो हिस्सा पेड़ के द्वारा जुड़ा है वहां से कुछ चपटा और उससे बिल्कुल विपरीत हिस्सा अर्थात नीचे का हिस्सा, दूसरे ध्रुव का हिस्सा, यह भी चपटा होता है। तो कपित्त का फल इस प्रकार का है जिसके दोनों ध्रुव कुछ चपटे हैं और बाकी पूरा लगभग गोल है। तो ऐसी आकृति हमारे ग्रंथों में पृथ्वी की बताई गई है जो कि कपित्त के फल की तरह है। इसी संदर्भ में हमारे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान आर्यभट्ट ने भी कहा है, आर्यभटीयम ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, भूग्रह भानाम गोलार्धानी स्वच्छाया विवरणानि अर्धानि यथासारम सूर्याभिमुखानि दीप्यन्ते। अर्थात भू पृथ्वी इत्यादि दूसरे ग्रह अपनी ही छाया से विवरण अर्थात अंधेरे में रहते हैं और सूर्याभिमुख जो इनका भाग होता है अर्थात उसी गोले का, ग्रह के गोले का, पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर रहता है, सूर्य के अभिमुख होता है, वह दीप्यन्ते, इन सभी ग्रहों का वह हिस्सा प्रकाशित होता है। अर्थात पृथ्वी इत्यादि ग्रह गोल है और सूर्याभिमुख अर्थात सूर्य की ओर स्थित इनका हिस्सा जो है आधा भाग वह प्रकाशित होता है और इसके तुरंत विपरीत भाग जो है वह इन्हीं ग्रहों की छाया से अंधकारमय रहता है, जो कि दिन रात इत्यादि की भी परिभाषा में हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में विभिन्न शास्त्रों में वैज्ञानिक विषय पूर्णतया वैज्ञानिक रूप से ही प्रतिपादित रहे हैं और यह आज नहीं बल्कि हजारों वर्ष पूर्व की यह साधना है हमारे विद्वानों की। आर्यभट्ट जो कि लगभग 476 ईस्वी के थे, उसी समय इन्होंने इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, हमारे लिए प्रस्तुत किया। आज हमें आवश्यकता है कि हम इन ग्रंथों का अध्ययन करें और उस ज्ञान को अर्जित करें, उस ज्ञान को बचाए रखें, उसे संचित रखें। विभिन्न प्रकार के विदेशी विद्वान यदि इन सभी ग्रंथों का सहारा लेकर शोध करते हैं तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान परंपरा का साथ, इस ज्ञान परंपरा का सहारा लेकर के आगे बढ़ें और शोधों को परिपूर्ण और परिष्कृत रूप से संपन्न करें। इस प्रकार की ये जानकारी आप सभी के लिए लाभप्रद रहेगी और हमारा आपसे यही निवेदन है कि हमारे शास्त्रों पर आधारित इस प्रकार की जानकारियों को विभिन्न मित्रगणों परिचितों तक पहुंचाएं और उन्हें भी इससे लाभान्वित करें। ओम स्वस्ति।